आज स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इससे पहले हम लोगों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे बात की थी, आप लोगों ने सुपर नाइन की क्लासेस अटेंड की थी, तो उसमें हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे बात की थी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने एक सीरीज बनाई है तमाम एलिमेंट्स की। ये सीरीज मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर लिख दी, मैं अपनी वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगा ये सीरीज को याद कैसे करें। ये सीरीज हमें ये बताती है कि किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ये रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पर सीरीज बनाई गई तमाम एलिमेंट्स की, और ये है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये आपका स्टैंडर्ड है। आपको कुछ याद हो पुराने लेक्चर में हमने तमाम के एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल इसके साथ कंपेयर करके निकाले थे, और आपको ये भी याद होगा कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों आपने कितने लिए थे, जीरो। लिहाजा जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा वो इससे कंपेयर करके निकलेगा, और इसका आपने क्या लिया, जीरो। इससे अबव वाले कुछ एलिमेंट्स हैं, इससे बिलो वाले कुछ एलिमेंट्स क्योंकि मैंने इस सीरीज में लिखे हैं। जो इससे अबव वाले हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल बच्चों माइनस के साथ, और जो इससे नीचे वाले उनका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस के साथ होता है। प्लस वालों का अलग हिसाब है, वो कैसे काम करते हैं रिएक्टिविटी की तरफ, माइनस वालों का अपना हिसाब है। फिलहाल ये याद रखें जो जितना माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अबव होगा, और जिसका प्लस में होगा वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बिलो होगा। यानी आप स्टूडेंट्स ने बस इस स्टैंडर्ड को याद रखना कि इससे अबव वाले कौन से एलिमेंट है, इससे बिलो वाले कौन से। वो मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। मेन जो आज हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये टेबल आना चाहिए, क्योंकि टेस्ट में तो खैर ये सारा टेबल याद नहीं हो पाएगा, ये सारा टेबल आना चाहिए। इसकी बेस पे हम सारी एप्लीकेशन को समझाएंगे, छह ऐसी एप्लीकेशन। सबसे पहली एप्लीकेशन बताया है प्रिडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, सेल गैल्वेनिक होगा या वोल्टाइक सेल होगा या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, सब बातें ये फिजिबिलिटी समझाती है। फिजिबिलिटी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को कहते हैं, मतलब रिएक्शन होगा या नहीं होगा, आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे या आपको मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी। आपको कुछ याद हो हमने एक सेल पढ़ा था जिंक और कॉपर, उसमें जिंक और कॉपर का आपने पूरा सेल बनाया, और याद हो एट एनोड उसमें कुछ याद हो जिंक को आपने एनोड बनाया था क्योंकि जिंक की ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की, कॉपर को आपने कैथोड बनाया था क्योंकि उसकी ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की। ये हमें कैसे गैस होगा कि किसने एनोड बनाया है किसने कैथोड बनाया है, आपको ऑलरेडी बताया था। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये आपको जिंक नजर आ रहा है, जिंक शी के अबव लाए गए हैं, कॉपर शी के बिलो लाए गए हैं। जो बिलो है वो कैथोड बनेगा, जो अबव है वो एनोड बनेगा। ये भाई साहब होंगे एनोड और ये जनाब साहब होंगे कैथोड। ये शी के बिलो है, ये शी के अबव है, जो अबव है वो एनोड बनेगी, जो बिलो है वो कैथोड बनेगा। तो एनोड पे आपने क्या पढ़ा था, जिंक सॉलिड बना के इसमें चला जाता है जिंक एक्वस में और साथ में काम करता है इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए आप इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में, किसी का रिडक्शन पोटेंशियल अगर माइनस में तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप कितना लेंगे, प्लस 0.76 वोल्ट, क्योंकि यहां पे माइनस है वहां पे प्लस में। अच्छा जी एट कैथोड की बात करते हैं, कैथोड पे क्या होगी रिडक्शन, कैसे पता चला शी से बिलो है रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है, तो हम क्या करेंगे कॉपर एक्वस दो इलेक्ट्रॉन्स को देगा और किस में तब्दील होगा कॉपर सॉलिड में, और बच्चों इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या लिखा हुआ 0.34। अब इसकी आपने नेट इक्वेशन ले ली, इसको इसे काट दें तो क्या बच्चों बता जिंक सॉलिड कॉपर एक्वस, तो कॉपर सॉलिड और जिंक एक्वस, तो सेल का वोल्टेज कितना आया, प्लस का ये फिगर प्लस का ये फिगर प्लस
प्लस 1.1 वोल्ट। लो जी प्लस में आया। याद रखो जब भी सेल का वोल्टेज प्लस में हो सेल होगा फिजिबल, सेल होगा वोल्टाइक, सेल होगा स्पॉन्टेनियस। याद रखे और सेल कैसा होगा फिजिबल होगा। सारी बातें आपको तो यहां से कह जाएंगे। और भाई वोल्टेज प्लस में है फिजिबल, वोल्टेज प्लस में है वोल्टाइक, वोल्टेज प्लस में है स्पॉन्टेनियस, वोल्टेज माइनस में आता है नॉन स्पॉन्टेनियस, वोल्टेज माइनस में आता तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता, वोल्टेज माइनस में आता फिजिबल नहीं होता नॉन फिजिबल होता। फिजिबल और नॉन फिजिबल का क्या मतलब है? फिजिबल खुद से होने वाला ऑटोमेटिकली प्रोसीड करेगा, आपको करवाना नहीं पड़ेगा, आपको बिजली बना के देगा। और नॉन फिजिबल जिसमें केमिकल रिएक्शन आप करवाएंगे और आपको बिजली जो है वो प्रोवाइड करने की पड़ेगी, केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए। लिहाजा बच्चों कैसे पता चलती है फिजिबिलिटी, अब इस सीरीज को देखें, हर ऊपर वाला अगर नीचे वाले से मिलेगा, अगर ऊपर वाले को बनाया एनोड और नीचे वाले को आपने बनाया कैथोड, हमेशा सेल फिजिबल बनेगा, सेल स्पॉन्टेनियस होगा, सेल वोल्टाइक होगा, सेल गैल्वेनिक होगा, वोल्टेज हमेशा प्लस में है। प्लस का मतलब क्या है? तुम लोग हासिल कर लो वोल्टेज, केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उससे आप इलेक्ट्रिसिटी को हासिल कर रहे हैं। इसका मतलब यहां से बच्चों एक बुक में एक बात लिखी, जिंक कॉपर को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, और कॉपर जिंक को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्योंकि देखिए जिंक सॉलिड से किसमें चला गया? प्लस टू। जिंक क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। और कॉपर प्लस टू से जीरो में चला गया, कॉपर क्या हुआ? रिड्यूस। इसका मतलब है जिंक कॉपर को रिड्यूस कर सकता है और कॉपर आयन जिंक को ऑक्सीडाइज कर सकता है। अगर तो ऐसा काम है, याद रहे हर ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज करे तो सेल कैसा होगा? फिजिबल होगा। तो हमें चार बातें समझ रहे हैं, फिजिबिलिटी, वोल्टाइक सेल, स्पॉन्टेनियस। अगर बिल्कुल इसका वोल्टेज माइनस में आता है ये नॉन फिजिबल होगा, ये इलेक्ट्रोमैटिक होता है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये खुद से ना होगा, ये आपको प्रोवाइड करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी। तो प्रेडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की फिजिबिलिटी कैसे पता चलेगी? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर वालों को जब नीचे वालों से कनेक्ट करोगे, अगर ऊपर वालों को बनाया एनोड, नीचे वालों को बनाया कैथोड तो फिजिबल नहीं है, और अगर ऊपर वालों को कैथोड बनाया नीचे वालों को एनोड बनाया तो नॉन फिजिबल निकलेगा, वोल्टाइक नहीं निकलेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस निकलेगा। लिहाजा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की स्टूडेंट्स पहली एप्लीकेशन है फिजिबिलिटी का पता करना। फिजिबिलिटी मतलब है कि हम कहते हैं ना आपके पास किसी चीज की फिजिबिलिटी है, अब आपके पास कोई मेडिकल स्टोर जाते हो तो जाके मास्क के बारे में, अभी आपके पास मास्क फिजिबल है पड़े हुए हैं, फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी अवेलेबिलिटी, फिजिबिलिटी रिएक्शन का खुद होने को कहते हैं। तो पहली एप्लीकेशन ये रिएक्शन की फिजिबिलिटी को जज करें। तो रिएक्शन की फिजिबिलिटी कैसे जज होगी? सेल की वोल्टेज से, प्लस फिजिबल माइनस नॉन फिजिबल, प्लस स्पॉन्टेनियस माइनस नॉन स्पॉन्टेनियस, ये पहली एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट होगी इस, और ये आपकी बुक में ऐसे अच्छी बताएगी। साथ में ये भी बात बता दूंगी कौन किसे ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन किसे रिड्यूस कर रहा है। अगली बात, कैलकुलेशन ऑफ सेल वोल्टेज और ईएमएफ। ईएमएफ फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल वोल्टेज वो ताकत, वो फोर्स, वो पावर जो करंट को एक्सटर्नल सर्किट में से गुजारती है, टेंडेंसी ऑफ सेल रिएक्शन के बारे में बताती है, उसकी उस ताकत का नाम है ईएमएफ। ईएमएफ ही बताते हैं सेल वोल्टेज ही असल में ईएमएफ है, ये वो ताकत है, ये वो टेंडेंसी है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल सर्किट में से गुजारने में कामयाब होती है, इसे कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेल वोल्टेज। ये भी बिल्कुल यही वाली एग्जांपल है। हाँ एक बात, ईएमएफ प्लस में होगी वही बात फिजिबल, ईएमएफ प्लस में होगी वोल्टाइक, ईएमएफ प्लस में होगी स्पॉन्टेनियस, एक ही बात है, यही वाली एग्जांपल उन्होंने कोट किया, एक ही बात उन्होंने बताई है कि जी जिंक सॉलिड वाला किस में जा रहा है? जिंक एक्वस में,
और दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इसका ऑक्सीडेशन बच्चों कितना है +0.76। एट द सेम टाइम कॉपर एक्वस दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कॉपर किस में जा रहा है सॉलिड में और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना +3 वोल्ट। तो बच्चों सेल की वोल्टेज आप बता देंगे +1.1 वोल्ट प्लस फिजिबल। और ये सेल वोल्टेज ही असल में इलेक्ट्रोमोटिव ताकत है EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द टेंडेंसी ऑफ सेल रिएक्शन टू टेक प्लेस ये वो टेंडेंसी है रिएक्शन को करवाने की, ये वो ताकत है जो इलेक्ट्रॉन्स को इधर से गुजारती है फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट ऑफ बैटरी। लिहाजा फिजिबिलिटी का EMF से भी डायरेक्ट रिलेशन है। फिजिबिलिटी तब होगी जब EMF का जवाब किसमें आएगा प्लस में आएगा। फिजिबिलिटी नहीं होगी जब EMF का जवाब माइनस में आएगा। तो दूसरी एप्लीकेशन हमने ये पढ़ी कि सेल वोल्टेज या EMF। नाउ तीसरी एप्लीकेशन एबिलिटी टू गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, यानी कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। हम यहां से बात करते हैं, ध्यान से समझिए, याद रखो ये जो ऊपर वाले मैंने जितने एलिमेंट्स शीट के अभाव वाले थे इनका रिडक्शन पोटेंशियल किसमें है माइनस में। रिडक्शन पोटेंशियल माइनस का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन लेने के हामिल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन देने के हामिल है। जिसका रिडक्शन माइनस में होगा वो लेना ही चाहता है, वो देना चाहता है। जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है वो क्या कहलाएंगे, मेटल्स। लिहाजा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर वाले सारे मेटल्स होते हैं और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नीचे वाले वो है जिनका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस फिगर में, प्लस फिगर में यहां प्लस होंगे सारे, यहां से लेकर यहां तक सारे प्लस होंगे। प्लस है तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले कौन होते हैं, नॉन मेटल्स, देने वाले मेटल्स। तो इसका मतलब है कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा। ऑक्सीडाइज वो होंगे जो इनका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है, रिड्यूस वो होंगे जो कि बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए। ये सारे रिड्यूस होना चाहते हैं, ये सारे ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। अगर ये सारे ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं और ये सारे रिड्यूस हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्टेड है और ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने में इंटरेस्टेड है, दे आर द गुड यूजर्स, दे आर द गुड गेनर्स। सो अब हमें यह समझना है एबिलिटी टू गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। मेरी बात ध्यान से सुनिए आप, ये लिथियम को देखिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल किसमें है माइनस में, यानी ये भाई साहब रिडक्शन चाहते ही नहीं, ये चाहते हैं कि मेरे में से कोई इलेक्ट्रॉन ले। अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा अगले में इलेक्ट्रॉन जमा करेगा उसको क्या करेगा रिड्यूस, तो ये क्या कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर ऊपर वाले रिड्यूसिंग एजेंट है तो नीचे वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। देखिए मेरी बात सुनो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस, इसका इलेक्ट्रॉन लेने का दिल नहीं करता, इलेक्ट्रॉन देने का दिल। अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा अगले में इलेक्ट्रॉन जमा करेगा तो क्या कहलाएगा रिड्यूस करने वाला, यानी रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब तक का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है लिथियम, ये बात पेपर में एमसीक्यू में मिल जाती है कि अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन होगा लिथियम। इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की फिगर में है, ओके। अच्छा नीचे वाला मॉलिक्यूल को देखिए, इसका रिडक्शन पोटेंशियल किसमें है प्लस में, यानी ये तो इलेक्ट्रॉन एक मिनट में लेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक मिनट में लेगा तो ये अगले की क्या करेगा ऑक्सीडेशन, तो ये भाई साहब क्या कहलाएगा स्ट्रॉन्ग, ये क्या कहलाएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बंदा क्या कहलाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग, ये
स्ट्रॉन्गेस्ट एजेंसी, आपने ऐसे याद कर लेना है ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये बैरियर है, इससे ऊपर वाले रिड्यूसिंग होते हैं, इससे नीचे वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन देने में इंटरेस्टेड है, ये इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्टेड है। ये कैसे पता चलेगा कौन कितना ऑक्सीडाइजिंग है? जो जितना इस सीरीज में नीचे है वो उतना ऑक्सीडाइजिंग, जो जितना इस सीरीज में ऊपर है उतना रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीड, अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिथियम। अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन। ये कैसे पता चलेगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोन और आयोडीन इन सारों में से अच्छा रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना प्लस है, आप इस सीरीज को देखना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा लिखा ये और ये है इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये होगी इनकी कैसी पावर? ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन पोटेंशियल प्लस, फिर रिडक्शन पोटेंशियल कम, फिर रिडक्शन पोटेंशियल कम, फिर रिडक्शन पोटेंशियल कम। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस उसका वो अच्छा रिड्यूसिंग। तो आप तक हमारे पास जो लिथियम है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और जो फ्लोरीन वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये बच्चों आपके पास एक बैरियर है, इससे ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, इससे नीचे वाले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। ऊपर वाले ज्यादातर मेटल्स, नीचे वाले नॉन मेटल्स। तो ये एक आपको एक क्राइटेरिया पता चलेगा, एबिलिटी टू गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, कौन ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ये ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं और अपना को क्या करते हैं रिड्यूस, तो कहता है ये रिड्यूसिंग है, ये रिड्यूस होना चाहते हैं अगलों को क्या करेंगे ऑक्सीडाइज, क्या कहलाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा जी, अब हमारे पास चौथी हेडिंग है जिसका नाम है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। कैसे पता चलेगा कौन तेज मेटल है, कौन रिएक्टिव मेटल है, कौन नॉन रिएक्टिव मेटल है? आसान से बच्चों का है, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के जितना ऊपर है वो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। आपने कोर सुना होगा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, पढ़ा होगा आप लोगों ने, हाल ही में जब से पढ़ा, हाल ही में जब से पढ़ा, तो ये सारे बंदे इन सबका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस है। याद रखें जिनका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव, ये सारे बहुत ही रिएक्टिव। वजह को बंदा वजह कुछ तो हमें बताना है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल ही माइनस है और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस है वो अनरिएक्टिव। लाइक आप देखो सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ठीक है, प्लैटिनम, ये तमाम ऐसे एलिमेंट्स हैं, इनके रिडक्शन पोटेंशियल किसमें है? प्लस में। ये सारे आपको शीट से नीचे मिलेंगे, जो सारे आपको नीचे मिलेंगे उन सब के रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है और जिनके रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में होंगे वो रिएक्टिव नहीं होते, वो रिएक्टिव कितने नहीं होते। तो कैसे पता चला? रिडक्शन पोटेंशियल माइनस तो रिएक्टिविटी फुल ऑन, रिडक्शन पोटेंशियल प्लस तो रिएक्टिविटी कम। मतलब कॉपर, सिल्वर, गोल्ड तेजाबों के साथ भी बड़ी मुश्किल से रिएक्शन करते हैं, इनको तो बस सिर्फ पानी दिखा दे और भाग जाए ना तो भाग सकते, लेकिन इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल माइनस। आप ऐसे सारे बच्चे याद रखें कि रिडक्शन पोटेंशियल माइनस तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल प्लस तो रिएक्टिविटी पुअर, मतलब इनर्ट। इसीलिए इनको कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनको तो बुलाया जाता है नोबल मेटल्स, they want to get noble metals, इन्हें coinage metals भी कहते हैं। अच्छा एक और बात, अब यहाँ पे standard hydrogen electrode, ये आपके पास एक पैमाना है, जो metals
आती है ना यहां से स्टार्ट होती है, यहां से लेकर यहां तक, आयरन से लेकर कैडमियम, निकल, टिन, लेड, इनकी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में तो है मगर इतने ज्यादा माइनस नहीं। ये पानी के साथ रिएक्शन तो करते पर सुस्त सा रिएक्शन करते हैं, मतलब आप ऐसे लिख लो ये लेड, ये निकल, ये टिन, ये कोबाल्ट, ये पानी के साथ रिएक्शन तो करते हैं मगर जरा मॉडरेट करते, मॉडरेट रिएक्शन दरमियाने, इतने को बुला रिएक्शन नहीं करते। और बड़ी मुश्किल से ये हाइड्रोजन गैस निकालते हैं और अपने ऑक्साइड में बदल देते हैं। हाँ, इनसे जरा सा ऊपर चले जाओगे वाली कैटेगरी में आते हैं ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, ये तो पानी के साथ बुला के साथ रिएक्ट करते हैं, तो एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम फटाफट से पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, जरा तेज होते हैं रिएक्शन, और ये हाइड्रोजन गैस देते हैं। मतलब आपको रिएक्टिविटी का कैसे अंदाजा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल से, जो जितना माइनस में वो उतना तेज रिएक्ट करे और जो जितना कम माइनस में वो उतना जरा स्लो रिएक्ट करे, और जिसका माशाल्लाह रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है वो पानी के साथ उसकी सलामी होगी। कॉपर जहां तक नहीं पानी को, कॉपर को पानी में डाले कुछ नहीं होगा, सिल्वर को पानी में डाले कुछ नहीं होगा, प्लैटिनम को पानी में डाले कुछ नहीं होगा, मर्करी को पानी में डाले कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनके रिडक्शन पोटेंशियल का सर जितने नीचे वाले उतने अनरिएक्टेड, जितने ऊपर वाले उतने रिएक्टेड। इसके बाद अगली आइडिया है टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, कौन सा बंदा हाइड्रोजन गैस निकाल पाएगा तेजाब में से, सुन मेरी बात, ये है तेजाब HCl, इसमें कौन छुपा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कौन होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हमेशा याद रखना शी से ऊपर वाले जितने एलिमेंट अगर तेजाब से मिलेंगे हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, शी से नीचे वाले जितने एलिमेंट हैं उनको जब भी मिलाएंगे तेजाब के साथ वो हाइड्रोजन गैस निकलेंगे। यानी आप सारे बच्चे की याद रखना कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है वो तेजाब में से हाइड्रोजन निकालेगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है वो तेजाब में से हाइड्रोजन नहीं निकालेगा। एक बड़ा मशहूर सवाल आता है बोर्ड में कि वाई, पेपर में सवाल आ सकता है कि जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बट कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड कैन नॉट। ये बड़ा मशहूर सवाल है, एक्सरसाइज में भी लिखा, ये तीन बंदे तेजाब में से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं मगर ये तीन बंदे क्यों नहीं निकाल सकते, सीधी सी बात, ये तीनों का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में, ये शी से बिलो है, जो शी से बिलो है वो तेजाब में से हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते, जो शी से अबव है, ये जो तीनों बंदे हैं ये अबव है, मतलब जो अबव का मतलब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल वाले तेजाब में से हाइड्रोजन निकालेंगे, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल वाला तेजाब में से हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे। तो आज आपको ये सीरीज अगर याद हो जाए, मैं आपसे पूछूंगा कि फलाना एलिमेंट तेजाब में से हाइड्रोजन निकाले, आपको अगर ये सीरीज पता हो आपको बता दें, शी से नीचे वाला नहीं निकालेंगे, शी से अबव वाला निकालेंगे, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल वाला निकालेंगे, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल वाला नहीं निकालेंगे। तो एक मिनट में बता दें फलाना तेजाब में से हाइड्रोजन निकालेगा या नहीं निकालेगा, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। तो ये भी एक तरीका है टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, मतलब आपसे एमसीक्यू पूछ लें कि जी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इसी तरह से सोडियम, इन चारों में से बताएं कौन तेजाब में से हाइड्रोजन निकालेगा, वो तो आसान सा, कॉपर शी से बिलो है नहीं निकालेगा, सिल्वर भी शी से बिलो है नहीं निकालेगा, गोल्ड भी शी से बिलो है नहीं निकालेगा, सोडियम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के अभाव में होता है माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, ये तेजाब में से हाइड्रोजन निकाले, ये आपकी एप्लीकेशन ये भी कंप्लीट है।
आखिरी और बड़े मजे की एबिलिटी टू डिस्प्लेस अदर एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट किसे डिस्प्लेस करे? बहुत आसानी से ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं करेगा। मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। पूछा जाए कि इन सारों दोनों में से कौन सा रिएक्शन होगा, मैंने क्या बोला था, ये जिंक सल्फेट और कॉपर देगा। देखिए जिंक जीरो से किसमें जा रहा है, प्लस वन। जिंक नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। हाँ ये रिएक्शन पॉसिबल है, नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल वाला माइनस वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, माइनस वाला प्लस वाले को डिस्प्लेस कर सकता। कॉपर जिंक का पड़ा रिडक्शन माइनस में, कॉपर का पड़ा रिडक्शन पोटेंशियल माइनस वाला प्लस वाले को डिस्प्लेस कर सकता, प्लस वाला माइनस वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। लेट्स से आपसे एक एग्जांपल पूछे, लाइक जी मैग्नीशियम प्लस फेरस सल्फेट, क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, फिजिबल होगा नॉन फिजिबल होगा? चेक कर लो, मैग्नीशियम आयरन, मैग्नीशियम ऊपर आता है आयरन नीचे आता है, यस ये इसे डिस्प्लेस कर देगा, यानी मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और आयरन निकल जाएगा। ऊपर वाला एलिमेंट ने नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस किया, नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो छह एप्लीकेशन आज के अपने लेक्चर में पढ़ी, एंड में मैंने आपको ये भी बताया कि इस सीरीज को याद कैसे करना। तो एंटी टेस्ट में तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, इसका एक आसान सा कोड है सुन ले, लिटल इन द कैन सेंड मंकीज एलिफेंट ज़ेब्रा क्रो इन क्यूबिक निकल टिन प्लेटेड हट क्यूट क्यूट इंपोर्टेड आयरन सिल्वर हैदराबादी बैगल्स कलेक्टेड ऑल ओवर फिनलैंड। ये अगर जिस बंदे को कोड याद है वो ये पूरी सीरीज याद करे। एक छोटी सी बच्ची है लिटल किंजा, वो भेज सकती है किसको, ये बांदर शांदर एलिफेंट ज़ेब्रा क्रो, एक छोटी सी घर बना इन क्यूबिक निकल टिन प्लेटेड हट है लोमड़ी सी, उसके अंदर भेज सकती है क्यूट क्यूट इंपोर्टेड आयरन, इंपोर्टेड आयरन, आयरन वैसे इंपोर्टेड ही चलेगा, और सिल्वर हैदराबाद बैंगल्स बैंगल्स कलेक्टेड ऑल ओवर फिनलैंड, फिनलैंड जगह फैसला बात देखो ये चंगा रहेगा कि फैसला बहुत जोर जोर का है, वैसे जूते शूटे बहुत हो रहे हैं, तो फ्लोरिन सबसे एंड पे लगे रहे। आपको इसको एक कोड से याद करना, अगर आपके सामने इस सीरीज का स्केच है नो डाउट आप पूरी सीरीज को याद कर सकते हैं। छह एप्लीकेशन है, पहला फिजिबिलिटी, ऊपर वाला नीचे से मिलेगा फिजिबल, ऊपर वाला नीचे से मिलेगा सेल वोल्टेज, ऊपर वाला मैटर्स नीचे वाला नॉन मैटर, ऊपर वाला रिड्यूसिंग नीचे वाला ऑक्सीजन, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस रिड्यूसिंग, रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ऑक्सीजन। कैसे पता चलेगा मेटल रिएक्टिव है या नॉन मेटल, मेटल रिएक्टिव कब होगा जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस, नॉन रिएक्टिव कब होगा रिडक्शन पोटेंशियल प्लस। सब बातें ये बता, सारा मामला ही इस रिडक्शन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल माइनस रिएक्शन। दो बार कि कौन तदाद से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करे, ऊपर वाला नीचे वाले में से तदाद में से हाइड्रोजन निकाल दे, नीचे वाला ऊपर वाले में से नहीं निकालेगा, शी के बिलो वाला नहीं डिस्प्लेस करेंगे, शी के अबव वाले डिस्प्लेस करेंगे। एक ही बार ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर पाएगा,
हमेशा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाला पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाले को डिस्प्लेस कर रहा है। नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाला हमेशा एनोड बनना चाहता है और पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाला कैथोड बनना चाहता है। तो ये हमारी आज लेक्चर का लिंक हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके इस सीरीज बनाई और उसको एक क्रोनोलॉजिकल एक ऑर्डर में अरेंज किया, जिसमें नेगेटिव वालों को ऊपर रखा, पॉजिटिव वालों को नीचे लिखा, प्लस हाइड्रोजन जिसका नाम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन है वो दरमियान में लगा दिया। ये से अब वाले, ये से बिलो वाले, और ये है इसकी छह अरेंज। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आती है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन छह में से चार एप्लीकेशन, शॉर्ट क्वेश्चन बताएं कैसे पता चलेगा रिसीविबिलिटी क्या होती है, कैसे पता चलेगा कि कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, कैसे पता चलेगा कौन तेजाब में से हाइड्रोजन निकालेगा कौन नहीं निकालेगा, कौन किसे डिस्प्लेस करेगा कौन किसे नहीं डिस्प्लेस करेगा। आइदर ये वाला रिएक्शन